महाराष्ट्र में, खास तौर पर नासिक में हमने देखा कि किस तरह से जो प्याज है उसके उचित दाम नहीं मिलने इसके कारण जो किसान हैं वो परेशान हैं। और इसी के विरोध में नासिक में आप यहां पर देख सकते हैं जो किसान हैं उन्होंने जो प्याज है उसकी पूरी खेती को जला दिया है। ये केवल एक प्याज को नहीं जलाया गया है, इसके पूरी खेती को आप देखेंगे नासिक में इसे जला दिया गया है। और इसके जरिए कोशिश ये है ये सरकार के सामने विरोध करने की, विरोध में बताने की कि किस तरह से जो किसान है वो परेशान है, वो गुस्से में है। जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी आप देखें कि हर जगह पर प्याज ही मौजूद है और जो किसान इसे जला रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मैं कृष्णा भगवान डोंगरे एक किसान हूँ। हाँ कृष्णा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा है कि आप सारे जो किसान है वो आप प्याज जला रहे हैं? कितने का प्याज है और क्यों जलाना पड़ रहा है? आज तो प्याज लगाने के लिए आज तक खर्चा मेरे को कम से कम 1.25 लाख रुपए आ चुका है और इसको मार्केट में ले जाने के लिए 30,000 रुपए और खर्चा आने वाला था, लेकिन किसी प्रकार से 30,000 रुपए बनने नहीं वाले थे। आज भी महाराष्ट्र के किसान की हालत देखी तो आज भी किसान को 2-2 रुपया मिल रहा है, इसकी वजह से ये प्याज मेरे को जलाना पड़ रहा है। अच्छा, आपने कहा कि इसका आपने अभी तक इस पर कितना खर्च किया, कितना प्याज लगाया था वो बताए पहले। मैंने तो यहाँ पे 1.5 एकड़ प्याज लगाया था और उस पे खर्चा मेरे को 1,25,000 रुपए आ चुका था, लेकिन अभी जो है 30,000 रुपए और खर्चा आने वाला था इसको मार्केट में बेचने के लिए। हाँ, और अगर आप बेचते इसे अभी जो मौजूदा जो दाम मिल रहे हैं उसके अनुसार आपको कितना पैसा मिलता? 25,000-26,000। हाँ, जेब में से कम 5,000 रुपए और चले जाते। मेरे 1.25 लाख रुपए तो पहले चले गए, लेकिन कम से कम और 5,000 रुपए मेरे को घाटा आ सकता था, इसकी कारण मैंने निषेध व्यक्त किया है। अच्छा, आप निषेध व्यक्त कर रहे हैं, एक बार आप दर्शकों को समझा दें अभी आपने, क्योंकि लोग तो ये कहेंगे कि अगर आप बेचते आपको कुछ पैसे मिल जाते। हाँ, तो आप जला क्यों रहे हैं, क्या वजह है? महाराष्ट्र में इससे पहले भी देख लो आप, जो जो किसान प्याज लेके गया है उनको सबको किसी को 2 रुपए मिला है, किसी की जेब से पैसे चले गए प्याज बेचने के लिए, खाली जो प्याज निकाल के मार्केट में लेके जाने के लिए जो खर्चा है वो जेब में से चला गया, इसके कारण वही परिस्थिति निर्माण है महाराष्ट्र में आज, इसके कारण ही मेरे को जलाना पड़ रहा है। अच्छा, और इसके जरिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने आज नहीं, मुझे पता है और सोशल मीडिया पे भी वायरल था कि आप इस तरह से होली के पहले जलाने वाले हैं, सरकार में से किसी ने आपसे बातचीत किया, क्या हुआ, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? 15 दिन से महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत सारे लोगों को मालूम था कि ये कार्यक्रम 15 दिन के बाद होली के दिन यहाँ पे होने वाला है, शासन की ओर से किसी का भी फोन नहीं आया, किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई कि भैया ये मत करो, रुको, हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे और किसान के पीछे खड़ा रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार से इन लोगों ने सहानुभूति नहीं दिखाई, तो इसकी वजह से मेरे को प्याज जलाने का काम पूरा करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग है आप लोगों की, क्योंकि केवल आपकी बात नहीं, आपके ऐसे लाखों ऐसे किसान हैं जो परेशान हैं, नासिक सहित अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं जो प्याज के किसान हैं उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही है, आप सरकार से मांग क्या करेंगे और सरकार को संदेश क्या देंगे? आज के इस होली के एक दिन पहले जिस तरह से होलिका जलाई जाती है उसी तरह से आपने यहाँ पर प्याज को जलाया है। मैं केंद्र सरकार से एक ही निवेदन चाहता हूँ कि आज मेरी प्याज तो जल चुकी है लेकिन जो महाराष्ट्र का किसान है वो पूरी तरह से हतबल हो चुका है, आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुका है, इसके लिए केंद्र सरकार ने खास करके दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए निर्यात, जो इंडिया का प्याज है, भारत का जो प्याज है वो विदेशों में जाके कितना पैसा कमा सकता है और किसान के जेब में पैसा कैसा आ सकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और महाराष्ट्र सरकार से क्या कहेंगे, राज्य सरकार में से किसी ने आपसे बातचीत नहीं की, क्या संदेश या क्या आप कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार से तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, महाराष्ट्र सरकार तो पूरी तरह से मालूम था, खास करके मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि उनको मैंने मेरे खून से लिखा हुआ पत्र डाला था निमंत्रण पत्रिका के थ्रू, खून से लिखा हुआ पत्र डाला था। मैं मुख्यमंत्री साहब को और एक बार अनुरोध करता हूँ कि मेरा जिस्म का पूरा खून निकाल लो लेकिन किसानों की तरफ ध्यान दो, किसान मर रहा है, अगर मैं खड़ा नहीं रहता तो मेरे पीछे वही आत्महत्या करना, एक ही मकसद है अभी किसान के पीछे, सरकार अगर खड़ी नहीं रहती है किसान को एक ही मजबूरी आत्महत्या करना। तो ये आप जो देख रहे हैं ये नासिक का एक खेत है, यहाँ पर 1.5 एकड़ की जो खेत है वहां पर प्याज उगाए गए थे और वहां पर जिस तरह से जो किसान है वो गुस्से में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्याज की पूरी खेती है उसे जला दिया गया है। इनका कहना है अब तक 1.5 लाख रुपए यहाँ पर खर्च हो चुके हैं और इसे यहाँ से निकाल कर
खेत से मार्केट बाजार ले जाने में और 30,000 रुपया खर्चा आ जाता, यानी 1,80,000। और 30,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद इन्हें जो अभी मौजूदा जो दाम मिल रहे हैं उसके अनुसार केवल 25,000 रुपये मिलते। ऐसे में अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इन्होंने पूरे खेत को जला दिया। एक जगह पर से तो हमने आपको दिखाया, दूसरे जगहों पर भी इसी तरह के हालात हैं। हर तरफ आप देखें जो प्याज है उसको जला दिया गया है। और इसके जरिए ये भी ये कह रहे हैं कि सरकार को इन्होंने अपने खून से पत्र लिखा, सरकार को कई सारी चीजें कही, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद परेशान होकर इस किसान को अपने खेत के बीच में ही होली जलानी पड़ी। और साथ ही साथ इनका ये आरोप है और ये भी मांग है कि जो हम निर्यात की बात करते हैं, प्याज को किस तरह से निर्यात करें, किसान को किस तरह से उचित दाम मिले, उसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो जो किसानों की नाराजगी है, उनके महीनों की मेहनत पर वो अब आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इतने गुस्से में है किसान। सवाल सरकार से है, सवाल प्रशासन से है, लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, किसान तो परेशान है लेकिन क्या कोई उनकी सुन रहा है। नासिक से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।